अपने जिले की हर एक खबर से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल हजारिया टाइम्स को। ललितपुर बस स्टैंड पर खड़ी बस में अचानक आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि काले धुएं का गुबार दिखाई दे रहा था। मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। हालांकि बस में यात्री नहीं होने के कारण बड़ा हादसा टल गया। लोगों ने देखा तो फायर ब्रिगेड को सूचना दी, लेकिन आग लगने का कारण पता नहीं चल सका। बताया जा रहा है कि बस स्टैंड पर खड़ी बस स्लीपर बस में अज्ञात कारणों के चलते आग लगी। ललितपुर से विनोद मिश्रा के साथ बलराम बचौरी की रिपोर्ट। क्या है पूरा मामला? क्या ये देखिए, एग्जैक्ट तो नहीं पता चल पा रहा है किस कारण से लगी है, लेकिन पौने दस दस बजे की बात है। यहाँ पे दो तीन बसें खड़ी थी, स्लीपर बस आप पीछे देख सकते हैं, उसमें एक किसी बस में थोड़ी सी आग लगी और उसके बाद इस बस में पूरी आग लग गई। तो ये फिलहाल तो ये जल गई है बस, और जैसे सूचना मिली तो दमकल की गाड़ियों को भेजा गया है। आप देख सकते हैं आप पीछे जो है आग को बुझा लिया गया है। कारण नहीं पता चल पा रहा भी किस कारण से आग लगी। सर एक ही बस में लगी है क्या? नहीं, दो बसों में है। एक बस में ऊपर थोड़ी सी लगी थी, उसको भी बुझाया गया है। एक बस पूरी तरीके से चल रही है। ठीक, थैंक यू सर।